पैशनेट है, तो चाहे वो इस्लाम हो चाहे कोई मजहब हो, उसको ये कबूल करना पड़ेगा कि वक्त के तकाजों के साथ जब अकले इंसान वो आपकी बात से लेकर जो सवाल मैंने पहले भी उठाया था कि जो मजहब की बुनियादी मुकदमात हैं ये तो इंसानी रवैये हैं, मुसलमानों के रवैये हैं जिन्होंने ये मसाइल खड़े किए। मैं गेस करना चाह रहा हूँ कि मजहब जिन मुकदमात पे खड़ा है वो कहाँ पे इंसानी जहन के दोबारा ट्राई दोबारा ट्राई। और शरीयत या कानून की हैसियत से जिंदगी के कलर उठा के लगाना फिर सही लगेगा, कलर उठा के लगाएगा सही लगेगा कि जिनको तब्दील करने का आपके पास इख्तियार नहीं। सूरह तारीम में है कि आप अपने ऊपर वो हराम नहीं कर सकते जो अल्लाह ने हलाल किया। पहला है तुसी नाल दसो अच्छा अच्छा कर ना माया तो उसके बाद सही है सही है आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे औरत को हक दे दें कि वो बगैर इजाजत के आपको छोड़ के चली जाए। यकीन अपने शरी कवानीन और जो आईडी कवानीन है वो उन हदों के अंदर रख सकते। अब जो ह्यूमन राइट्स का नया कॉन्सेप्ट बनेगा दुनिया में वो इससे क्लैश अगर करता है तो इस्लाम या दीन चाहे वो कोई ऑर्गेनाइज क्लर्जी हो या ना जो जो सिस्टम भी बनेगा वो किसी कायदे और जाब्ते का पाबंद तो होगा ना जी। वो जाब्ता और कायदा अकल या जहानत इंसानी भी फैसला कर रही है, जिसे हम सेकुलर के माने ये जो उसने कौन था जिसने इसकी तशरीह की या डेफिनेशन दी उसने कहा कि हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि अकल मजहब के पास नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि अकल इंसान के पास भी है। हम ये नहीं कहते कि हदायत दीन या मजहब से नहीं मिलती, बल्कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि हदायत इंसान भी ईजाद करता है। जबरदस्त यार, ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है इसी की एक्सटेंशन आगे होती है। तो वो कहते हैं कि हम जीत गया, कमर जीत गया। अगर हम एथिकल कवानीन के लिए बना सकते हैं तो हम क्यों ना बनाएं। कमर जीत गया। और आप कहते हैं कि वक्त की जरूरत के मुताबिक ये बात मुश्किल है भाई।